जब कोई मुझसे बोलता है कि सर मैं सक्सेस होना चाहता हूँ कि सरल हूँ, तो मैं पहले बोलता हूँ तुम्हारे पास समय कितना है, तुम अपना समय कितना देते हो। बोलता सर मेरे पास वही है, मेरे पास काम करने का ज़्यादा टाइम नहीं है। मैंने बोला तू जितना काम करेगा तू उतना ही सक्सेस होगा। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम देवेंद्र अग्रवाल है। दोस्तों आपने ये बात तो सुनी होगी ना कि अगर तुम समय की कदर नहीं करोगे तो समय तुम्हारी कदर नहीं करेगा। आपने लोगों से ये कहते हुए सुना है क्या कि काश मेरे पास और समय होता तो मैं वर्क कर लेता, आई विश आई हैड अ मोर टाइम टू वर्क। पर हम बोलते हैं कि चलो तुझे दिए तुझे 26 घंटे, दिए तुझे 28 घंटे, दिए तुझे एक दिन में 30 घंटे, चलो उखाड़ जो तू उखाड़ सकता है। पर अगर दोस्तों का एक बार भी सोची कि वो 24 घंटों में कुछ नहीं कर पाया, उन 24 घंटों में जिसमें सचिन तेंदुलकर बन गया, उन 24 घंटों में जिसमें लता मंगेशकर, उन 24 घंटों में जिसमें अब्दुल कलाम जैसे लोग बने, वो 24 घंटों में कुछ नहीं कर पाया तो वो 28, वो 26 घंटों में क्या उखाड़ लेगा। दोस्तों हम सबके पास, हमारे पास, तुम्हारे पास टाइम एक ही है, बट फर्क इतना है कि तुम अपने आप को कितना समय देते हो। ये जो वीडियो है ये इसी टाइम पर है। दोस्तों आज की डेट में हम अपने पर कितना समय दे रहे हैं, आज की डेट में हम अपना टाइम किसको दे रहे हैं, यहां वहां की बातचीत करने पर, फालतू के वीडियो देखने पर, या मैं बात करूं मूवी देखने पर, या इश्कबाजी लगाने पर। आधे से ज्यादा जो जनरेशन का टाइम है वो सिर्फ उनकी इश्कबाजी में निकल जाता है, और फिर जब आगे निकल जाती है दुनिया तो वो पीछे अपना सर पकड़ के बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि काश मेरे पास समय होता तो मैं ये कर लेता, काश मेरे पास समय होता तो वो कर लेता। समय उतना ही था तुम्हारे पास जितना तुम्हारे दोस्त के पास था, इसलिए आज वो आगे है। दोस्तों कभी आप इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, सारी चीजों का करने का टाइम है, हर अनप्रोडक्टिव काम करने का टाइम है, बट अपने लिए, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, उसके लिए साला टाइम नहीं है। उसके लिए 8 बजे ही सोना है, उसके लिए ही 8 बजे खाना खा के पिक्चर देखकर 10 बजे नींद आ जानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा है कि 10 घंटे की नींद जरूरी है। तो साला वो लोग चूतियाँ हैं जो पूरी रात रात भर काम करके अपना नाम इतिहास के पन्नों पर लिखाते हैं। वो चूतियाँ हैं जो अपना नाम करके, जिनका वीडियो आप देखते हो बार बार और जिनके जैसे आप बनना चाहते हो, तो क्या लगता है आपको कि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है? वो क्या करते हैं, अपने दिन का 8 घंटे का 12 घंटे कैसे कर लेते हैं? वो अपने 8 घंटे का 16 घंटे काम करते हैं। वो 20 घंटे काम करने वाले लोग हैं दोस्तों। जो भी, जिनको भी आप आइडल मानते हो, वो सोने वालों में से नहीं है दोस्तों। आज की डेट में जितने भी लोग देखो अनसक्सेसफुल, जो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, जो सक्सेस की सीमा को पार करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में सब कुछ चाहते हैं कि मेरे पास वो सब कुछ हो, पर उनके पास वो वर्क करने के लिए टाइम ही नहीं है। देखा जाए तो 86,400 सेकेंड हैं वो भगवान ने जो मुझे दिए, वो भगवान ने वो सबको दिए, वो भगवान ने उन बड़े बड़े लोगों को भी दिए। क्या उखाड़ लिया उसमें आपने, क्या उखाड़ा उन्होंने, क्या उखाड़ा मैंने, ये तो आप खुद देखते हैं और ये खुद समझते हैं कि क्या हम अपने टाइम की कितनी वैल्यू रखते हैं। इन्हीं 86,400 सेकंड में दुनिया चांद मंगल पे पहुंच गई और आप कहते हो कि आपके पास टाइम नहीं है। दोस्तों टाइम का बहुत बड़ा खेल है। तब कोई मुझसे बोलता है कि सर मैं सक्सेस होना चाहता हूँ कि सरल हूँ, तो मैं पहले बोलता हूँ तुम्हारे पास समय कितना है, तुम अपना समय कितना देते हो। बोलता सर मेरे पास वही है, मेरे पास काम करने का ज़्यादा टाइम नहीं है। मैंने बोला तू जितना काम करेगा तू उतना ही सक्सेस होगा, अगर तू कम काम करेगा तो तू कम सक्सेस होगा, अगर तू ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा सक्सेस होगा। जब आप जिम जाते हो, फॉर एग्जाम्पल छोटा सा उदाहरण दूंगा, पहले दिन जिम जाते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि आपसे 5 और 10 kg का डंबल बड़ी मुश्किल से उठते होंगे, 4-5 राउंड चले गए, और आप उठाना चाहते हो 50 kg का, क्योंकि आप देखते हो उन बड़े बड़े बॉडी बिल्डर को जिसका सपना लेके आप जिम जाते हो। पर वही लोग 50 kg का डंबल उठा सकते हैं जो लगातार 5 महीने या 1 साल लगातार वो 5 kg और 10 kg का डंबल बार बार उठा उठा कर अपनी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ा लें कि वो 50 kg तक पहुंच जाते हैं। बट दोस्तों वो मेहनत और वो जो ताकत और वो अंदर का जो दर्द निकलता है ना, वो सारे दर्दों को दूर कर देता है जिस दिन आप अपनी उसी बॉडी के साथ सेल्फी लोगे और लोग बोलेंगे वाह क्या बॉडी बनाई है तुमने। यही मेन है दोस्तों, यही बात तो हमें ज़िंदगी में समझनी है कि वो ज़िंदगी की सारा जो कंफर्ट जोन आपने अपने आसपास बना के रखा हुआ है, वो जो नानी और दादी के जो नुस्खे कि 8 की 10 बजे सो जाना चाहिए, 4 बजे 6 बजे उठना चाहिए, वो जो आपने बना के रखी है, उन सबको अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंको और अपने टाइम लिमिट को बढ़ा लो। अपनी घड़ी को, सुइयों को कुछ इस तरह से घुमाओ कि तुम्हारे लिए जो रात है वो सिर्फ 2 या 4 घंटे की होनी चाहिए।
टास्क के कार्ड में, जो टास्क होता है दोस्तों, उसके कार्ड में कितने पत्ते आते हैं? 52 पत्ते। और उन 52 पत्तों को जब भी बांटा जाता है, हर समय अलग अलग बारी, हर समय अलग अलग बार, अलग अलग ढंग से बांटा जाता है। पर जीतने वाला 10 में से 8 बाजी जीत कर जाता है, तो क्या लगता है उसके पास हर बार सेम पत्ते आते होंगे तो वो जीतता होगा? नहीं, उसके पास हर बार अलग पत्ते आते हैं। अगर वो ये लेके बैठ जाए, यार मेरे तो पत्ते ही खराब है, यार मैं तो जीत ही नहीं पा रहा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, यार मैं कैसे जीतूंगा, तो जिंदगी में कभी भी कोई बाजी नहीं जीत सकता। जीतने वाला तो ये कहता है कि दो मुझे, जो भी पत्ते देना दो, मैं जीत के दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है खेल कैसे खेलना है। तो जिंदगी भी कुछ इसी तरह है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपको काम किस तरह से करना है। आप कोई सभी काम में सफल हो सकते हो, कोई भी काम में आप आगे बढ़ सकते हो, और आप जो चाहते हो वो आप पा सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हो, और ये जो मेरा मोटिवेशनल वीडियो, जो मेरा कहने का मतलब आपके दिमाग और दिल में बैठ गया हो। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो अपनी टाइम लिमिट को बढ़ाना पड़ेगा। मैं और एसर टेलीकॉम ऑलवेज आपके साथ रहेंगे आखिरी दम तक, और हमेशा ये प्रार्थना करेंगे कि आप अपने जीवन में हर वो मुकाम पाएं जो आप चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि टाइम की कितनी बड़ी कीमत होती है। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे देवेंद्र कॉलेज से टेलीकॉम।